गाइस तो करते हैं एक्सरसाइज 70 के क्वेश्चन नंबर 17 को। हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है ये कि इफ़ यहाँ पर गिवन किया है कि इफ़ 4m + 3n डिवाइड बाय 4m - 3n इक्वल्स टू कितना 7/4। तो यूज़ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन टू फाइंड। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है m रेशो n, एंड सेकेंड आपको फाइंड करना है क्या 2m² - 11n² / 2m² + 11n² ये फाइंड करना है। तो करते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास गिवन वैल्यू है उसको यूज़ करेंगे हम। 4m + 3n डिवाइड बाय क्या है हमारे पास 4m - 3n = 7/4। आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो या फिर इसमें कॉम्पोनेंट और डिवेंडो लगा के आप इसको m रेशो n को भी बता सकते हो। तो अगर हम इसमें कॉम्पोनेंट और डिवेंडो लगाते हैं या फिर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, बहुत ईजी है ये तो वैसे भी। 4m क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी 7 4m - 3n। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16m + 4 3 हो गए 12n = 7 4 28m और -7 3 21n। m वाली वैल्यू एक साथ लेके आएंगे 16m - 28m इक्वल्स टू ये 12m, इधर आकर माइनस का 12m हो जाएगा 12n और ये 21n, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस करोगे आप तो ये आ जाएगा 1 और 2, 12 आ जाएगा 12m और ये कितना जाएगा माइनस में कितना 33n। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, m n नीचे आ जाएगा और ये 12 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऑल्टरनेंडो यूज़ किया तो ये 12 हो गया। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको कैंसिल कर सकते हो 3 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 3 1 3 3 4 12। तो ये आ गया हमारा 11:4। तो m और n का रेशो आ गया हमारे पास 11:4। अब हम फाइंड करेंगे सेकंड में क्या है हमारे पास। सेकंड में आपको फाइंड करना 2m² - 11n²। तो आपको देखो m पर स्क्वायर मिल रहा है, n पर स्क्वायर मिल रहा है, m के साथ 2 मिल रही है वैल्यू, n के साथ 2 मिल रही है। तो इसको हम किस टाइप से कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास वी हैव m रेशो n इक्वल्स टू क्या आ गया है 11/4 आ गया है। इसकी हेल्प से अब हम इसे सोल्व कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो इन सभी पर स्क्वायर लग जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब यहाँ पर m के साथ क्या चाहिए हमें, m के साथ चाहिए 2m, m के साथ चाहिए हमें 2 और n के साथ चाहिए 11। तो 2/11 से हम इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड। तो 2/11 से इसको और 2/11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 11 से ये 11 टाइम में कैंसिल होगा, 2 से ये 8 टाइम्स में, तो ये हो गया 11/8। अब यहाँ पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 2m² + 11n² / 2m² - 11n² यही हमें चाहिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 11 + 8 और 11 - 8। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको 11 + 8 = 19 और 11 - 8 करोगे तो 3। तो ये हो जाता है हमारे पास 19:3। लेकिन देखो इसमें हमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा दिया हमने, लेकिन ये आ गया है क्या 19/3। वैसे इसमें डायरेक्ट आप डिविडेंडो और कॉम्पोनेंटो लगा सकते थे, पहले डिविडेंडो फिर कॉम्पोनेंटो, लेकिन अभी भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें हम इन्वर्टेंडो लगा सकते हैं। अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं, इन्वर्टेंडो लगा सकते हैं, इस वैल्यू में हम इन्वर्टेंडो लगा सकते हैं क्योंकि हमें 2m - 11n ऊपर चाहिए। तो यूजिंग इन्वर्टेंडो 2m² - 11n² ऊपर हो जाएगा, 2m² + 11n² नीचे हो जाएगा, = 3/19 हो जाएगा यूजिंग इन्वर्टेंडो। तो यहाँ पर इन्वर्टेंडो यूज़ किया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एक्स वाई जेड आर इन कॉन्टीन्यूट प्रपोर्शन। इफ एक्स वाई जेड आर इन कॉन्टीन्यूट प्रपोर्शन, ये क्या है हमारे पास, आर इन कॉन्टीन्यूट प्रपोर्शन। अगर ये कॉन्टीन्यूट प्रपोर्शन में है तो आपको क्या बताना है, आपको तो आपको प्रूफ करके दिखाना है। टू प्रूफ, तो टू प्रूफ करना है आपको क्या कि एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइड बाय वाई प्लस जेड होल स्क्वायर किसके इक्वल, एक्स रेशो जेड के इक्वल है। तो इसको सोल्व करेंगे हम, कैसे करते हैं इसको सोल्व। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन वैल्यू उसका यूज़ करेंगे। एक्स वाई जेड अगर हमारे पास कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में, तो हम कह सकते हैं एक्स रेशो वाई इक्वल्स होगा वाई रेशो जेड, या फिर आप कह सकते हो कि वाई स्क्वायर होगा किसके इक्वल, एक्स जेड के, वाई स्क्वायर और ये एक्स जेड। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम इसमें प्रूफ कर सकते हैं कैसे, हमारे पास क्या है, हम लेंगे यहाँ पर एल एच एस साइड, एल एच एस ये वाली साइड है, ये हमारे पास एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइड बाय वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, इसको यूज़ करेंगे हम। तो कितना हो जाएगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, फिर डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब इसको सोल्व कर लेंगे, अब हम इसको सोल्व करेंगे कैसे, वाई स्क्वायर की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, वाई स्क्वायर के प्लेस पर हम एक्स जेड रख सकते हैं, एंड इसको टू एक्स वाई रहने देते हैं, और फिर यहाँ पर वाई स्क्वायर के प्लेस पर एक्स जेड रखते हैं, और यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस टू वाई जेड करते हैं। अब इस वाली वैल्यू में से सभी में से देखो एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हम एक्स कॉमन लेते हैं, इन सभी में से एक्स कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पर बचा एक्स, यहाँ पर जेड और यहाँ पर ये टू वाई डिवाइड बाय, इन सभी में से हमने जेड कॉमन लिया है तो जेड कॉमन लेंगे, तो एक्स जेड और टू वाई। अब देखो ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा एक्स अपॉन जेड, हो गया प्रूफ हमारा, क्योंकि एल एच एस का यूज़ किया हमने, आर एच एस दिखा दिया इक्वल, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि अगर आपके पास गिवन है एक्स इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको यूज़ कॉम्बिनेंट और डिविडेंड प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ करना है आपको, टू प्रूफ क्या, बी स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो करते हैं क्वेश्चन को, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंड का यूज़ करेंगे, इधर भी कॉम्पोनेंट और डिविडेंड का यूज़ किया हमने, और इधर भी कॉम्पोनेंट और डिविडेंड का यूज़ करेंगे, कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस नीचे वाली वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय, इसको कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस नीचे वाली वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये माइनस अंदर साइन जाएगा तो ये माइनस का जाएगा और ये प्लस का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इसमें से कैंसिल क्या हो रही है वैल्यू, ये कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो रही है, तो इधर क्या मिला हमें, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और इधर क्या मिला हमें, टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइड बाय टू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू से टू कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। देखो यहाँ पर हमने यूजिंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो किया है, ये कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो किया है हमने, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, इस पे से रूट हट जाएगा अगर हम स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ से रूट हट गया। अब इसको हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी
ऐसे ही यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए बी करेंगे तो टू एक्स आएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर अगेन कॉम्पोनेंट और डिवेंडो यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, और नीचे वाली वैल्यू एक बार प्लस हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, और डिवाइड हो जाएगी एक बार नीचे वाली वैल्यू, एक बार नीचे वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी ऊपर वाली वैल्यू से, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एक्स इक्वल्स टू, ये एक बार नीचे वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक बार नीचे वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, कैंसिल कर लेंगे, इसमें जो कैंसिल हो रहा है टू एक्स से टू एक्स कैंसिल हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर से वन ऊपर बच रहा है, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन और वन टू, और नीचे बच रहा है हमारा फोर एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर बच रहा है हमारे पे बी से बी कैंसिल, ए से कैंसिल, तो टू ए स्क्वायर अपॉन टू बी स्क्वायर बच रहा है कैंसिल, बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हमें तो बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर इधर आ गया, ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी डिवाइड में, और ये फोर एक्स ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो ये टू एक्स स्क्वायर प्लस टू को हम क्या कर सकते हैं, इसमें से इसे फोर ए स्क्वायर एक्स बोल दो, एक्स एक्स ए स्क्वायर बोल दो, एक ही बात है, यहाँ पर टू कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा, टू से इसे कैंसिल कर दोगे तो ये इक्वल आ जाएगा टू ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, टू ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही हमें चाहिए था प्रूफ में, तो हो गया हमारा प्रूफ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है ये कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टू वन बाय एट, तो फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है एक्स रेशो वाई एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये करना है आपको, इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका अब हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एट टू या सिक्सटीन और वन सेवनटीन अपॉन, ये एट हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसमें यूजिंग कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस साइन अंदर जाएगा तो इस माइनस साइन चेंज हो जाएगा, तो सेवनटीन अपॉन सेवनटीन प्लस एट और सेवनटीन माइनस एट, ये वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो बचा हमारे पास टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू वाई स्क्वायर, ये कैंसिल, बचा यहाँ पर 25 और यहाँ पर 9, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट लगेगा, इस पर स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5/3, तो ये हो गया है हमारा एक्स रेशो वाई, ये स्क्वायर हट जाएगा, एक्स रेशो वाई क्या हो गया 5/3। अब हम ये क्यूब वाली वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, क्यूब वाली वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास है एक्स रेशो वाई कितना 5/3, अब हम इसे कर लेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो इधर क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। अब कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो यूज़ करेंगे, तो कॉम्पोनेंट लगाओगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 125 कितना प्लस 125 प्लस 27 हो जाएगा और ये 125 माइनस 27 ये कितना आएगा 127 करेंगे तो ये आएगा 5/2 2 5 1 और ये आएगा 98 टू से कैंसिल करोगे इसे 2 7 14 2 6 12 2 7 14 2 6 12 2 4 8 2 9 18 तो ये आ गया हमारा 76/41 तो ये हो गया हमारा
सेकंड पार्ट। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम लिखते हैं इसको तो ये कितना आएगा, 49 76। 49 माइनस करेंगे इसमें से कितना आएगा, 16 में से 9 7, 6 में से 4 2। तो ये इसको आप क्या लिख सकते हो, 27 1/49। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में भी देखो ऐसे ही बोला है कि यूज़ कॉम्बिनेंट और डिविडेंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसको भी एक्स की वैल्यू के लिए सोल्व करना है, जैसे हमने ये किया है 19 वाला। तो इसमें हमारे पास है रूट में 3x प्लस 4 प्लस रूट में 3x माइनस 5 डिवाइड बाय रूट में 3x प्लस 4 माइनस रूट में 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 9। तो अब इसे हम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो 3x प्लस 4 प्लस रूट 3x माइनस 5 प्लस रूट 3x प्लस 4 माइनस रूट 3x माइनस 5 डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, रूट 3x प्लस 4 प्लस रूट 3x माइनस 5 माइनस रूट 3x प्लस 4 प्लस रूट 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 9 प्लस 1, क्योंकि 9 के नीचे हम 1 लेंगे और 9 माइनस 1, इसमें ये वाली वैल्यू कैंसिल, अब ये वाली कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 रूट कितना 3x प्लस 4 और डिवाइड में 2 रूट 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 9 प्लस 8 10 और 9 माइनस 1 8। इनको कैंसिल करेंगे, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 2 5 10 2 4 8 हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर्स लग जाएंगे। यहाँ पर 5 का स्क्वायर करोगे, 5/4 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब चाहे तो आप इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंड यूज़ कर लो या फिर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। डायरेक्ट अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 25 और 3x माइनस 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसे करते हैं तो 16 3 जा कितने होते हैं, 48, 16 4 जा 64, 25 3 जा 75x, 25 5 जा 125। ये 48x और ये 75 इधर आकर माइनस का 75x, ये 64 इधर आकर माइनस का 64 और 125 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 7 और ये 227 और यहाँ पर इन दोनों को माइनस माइनस प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है, 9 और 8 और 1। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा दोनों, क्योंकि माइनस का 27 आएगा, माइनस का 75 ग्रेटर है इसलिए। तो ये 189 डिवाइड बाई 27, देखो दोनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 3 6 18, 3 3 9, 3 9 27, 9 7 कितने हो रहे हैं, 63। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 7। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर हमने कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो यूज़ किया है, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। यहाँ पर हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया है, यहाँ पर हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। तो ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखो ये क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे मोस्टली क्वेश्चन से जो है, जैसे 2010 में, ये 10 में, ये 14 11 में, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो आ रहे हैं हमारे, तो इनको आपको कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया है आपको, ए प्लस 1 रूट ए माइनस 1 डिवाइड बाय रूट ए प्लस 1 माइनस रूट ए माइनस 1। तो यूज़ प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन का यूज़ करके आपको प्रूफ करना है
सो दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसको करते हैं, देखो ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है सेम आपका, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो। कैसे? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज़ करेंगे, यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ पर अगर हमने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई किया है तो क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वन, क्योंकि इसके नीचे वन लेंगे हम, और एक्स माइनस वन। इधर ये क्या हो जाएगा रूट में ए प्लस वन प्लस रूट में ए माइनस वन, और फिर प्लस में रूट ए प्लस वन नीचे और माइनस रूट ए माइनस वन डिवाइड बाय रूट ए प्लस वन और प्लस रूट ए माइनस वन, और माइनस में क्या हो जाएगा रूट ए प्लस वन और प्लस में रूट ए माइनस वन। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, जैसे ये कैंसिल हो गया हमारा और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन किसके इक्वल टू रूट ए प्लस वन और टू रूट ए माइनस वन। टू से टू कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये एक्स प्लस वन का स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये ए प्लस वन और ए माइनस वन। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस टू ए बी करेंगे तो टू इंटू एक्स इंटू वन करेंगे तो टू एक्स आएगा, और यहाँ पर डिवाइड में ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर बी की वैल्यू वन है तो वन का स्क्वायर वन हो गया, माइनस टू ए बी टू इंटू एक्स इंटू वन करेंगे तो टू एक्स आएगा इक्वल्स टू ए प्लस वन और ए माइनस वन हो जाएगा। अब इसमें फिर अगेन अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो यहाँ पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी और यहाँ पर ये प्लस का टू एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा ए प्लस वन और प्लस ए माइनस वन डिवाइड बाय ए प्लस वन माइनस ए प्लस वन। यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा टू एक्स से टू एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वन से वन कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू डिवाइड बाय टू एक्स और टू एक्स फोर एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ए और ए टू ए, वन से वन कैंसिल, ए से ए कैंसिल डिवाइड बाय टू, टू से टू कैंसिल। आपको क्या चाहिए यहाँ पर प्रूफ करना है आपको कि एक्स स्क्वायर इक्वल है हमारा, तो यहाँ पर टू कॉमन ले लेंगे वह वन बचेगा और डिवाइड बाय फोर एक्स इक्वल्स टू ए, यहाँ पर इसे कैंसिल करेंगे तो टू बचेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स इक्वल्स टू ए, टू एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू टू ए एक्स, ये हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस वन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ज़ीरो। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, तो ये करना था आपको प्रूफ, तो ये प्रूफ हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में गिवन क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर 23 में गिवन क्या है कि इफ़ एक्स क्यूब प्लस 12x डिवाइड बाय 6x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू वाई क्यूब प्लस 27y डिवाइड बाय 9y स्क्वायर प्लस 27। तो अब यहाँ पर यूजिंग द कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो फाइंड, आपको क्या करना है फाइंड x रेशो y फाइंड करना है आपको। तो करेंगे इसका हम सॉल्यूशन, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। अगर हम इसमें कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो
कॉम्पोनेंट डिविडेंड अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस 12x प्लस नीचे वाली वैल्यू डिवाइड बाय एक्स क्यू प्लस 12x माइनस नीचे वाली वैल्यू इक्वल्स टू वाई क्यू प्लस 27y प्लस नीचे वाली वैल्यू डिवाइड बाय वाई क्यू प्लस 27y माइनस 9y स्क्वायर और माइनस नीचे वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू माइनस में आ गई, दोनों ही वैल्यू हमारी ये हो गया हमारे पास। अब देखो इसे ध्यान से, ये क्या है हमारा, ये है हमारा ए क्यूब। इन दोनों में से अगर आप क्या लेते हैं कॉमन, अगर इन दोनों में से हम कॉमन ले रहे हैं क्या 6 और एक्स कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर बचेगा देखो 2, यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा हमारा क्या एक्स बचेगा, यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस ये हो हमारा 2 का क्यूब, ये है 2 क्यूब। ठीक है, सेम एज इट इज़ नीचे है हमारे पास एक्स क्यूब है, यहाँ पर माइनस 2 का क्यूब है। इन दोनों में से अगर हम 6x को आगे रखते हैं, 6x को आगे रखते हैं और उसमें से 6x कॉमन ले देते हैं माइनस का, तो माइनस का 6x कॉमन लेंगे तो एक्स और माइनस 2 बचेगा, एक्स और माइनस 2 बचेगा। फिर ऐसे ही इसमें अगर हम देखें तो ये वाई क्यूब है और ये क्या है 3 क्यूब, ये है प्लस का 3 क्यूब। इन दोनों में से अगर हम 9 को आगे ले रहे हैं और 9y कॉमन ले रहे हैं इसमें से, तो कॉमन क्या बचेगा हमारे पास, इसमें कॉमन बचेगा हमारे पास कितना वाई और प्लस 3, वाई प्लस 3 बचेगा सेम एज इट इज़। यहाँ पर वाई क्यूब और यहाँ पर 3 क्यूब हो जाएगा। इन दोनों में से अगर हम माइनस वाई कॉमन लेंगे तो वाई माइनस 3 बचेगा। तो अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा नीचे ए माइनस बी का होल क्यूब और यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई प्लस 3 का होल क्यूब और यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई माइनस 3 होल क्यूब। अभी क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएंगी तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें सिंपल एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू वाई प्लस 3 डिवाइड बाय वाई माइनस 3। इसको हम सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट या कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अगेन अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो अगेन हम कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 2 प्लस, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स और ये प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल्स टू ये वाई प्लस 3 और प्लस वाई माइनस 3 और डिवाइड बाय वाई प्लस 3 और ये माइनस साइन लगाएंगे इसमें तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब माइनस 2 से माइनस प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो ये एक्स और एक्स कितना हो जाएगा 2x डिवाइड बाय 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू वाई और वाई 2y हो जाएगा और 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, तो x रेशो वाई, वाई इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2:3। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर करेंगे अब हम 24, क्वेश्चन नंबर 24 भी देखो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा। तो यहाँ पर क्या है कि x अपॉन a, इसमें कहा है कि इफ़ x अपॉन a इक्वल्स टू है y अपॉन b, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा इक्वल्स टू हो गया z अपॉन c। तो यहाँ पर शो करना है आपको सो दैट, तो यहाँ पर शो करके दिखाना है आपको, तो शो दैट क्या शो करना है हमें, शो करना है कि एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन सी क्यूब किसके इक्वल है 3xyz अपॉन ए बी सी के इक्वल। तो कर लेते हैं देखो इसको प्रूफ, सिंपल है, इसमें भी हम कैसे करेंगे प्रूफ इसका,
इसके प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले इस वैल्यू को लेट कर लेंगे हम, के इक्वल एक्स अपॉन ए, लेट एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू वाई अपॉन बी इक्वल्स टू जेड अपॉन सी इक्वल्स टू है के। तो यहाँ पर एक्स इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, ए के आ जाएगा, वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी के आ जाएगा, जेड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी के आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लेंगे इसका एल एच एस पार्ट, एल एच एस पार्ट में है एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन सी क्यूब, ये गिवन किया है। अब इसको करेंगे हम, तो एक्स की वैल्यू क्या ले लेंगे हम, ए के, तो ए के क्यूब हो जाएगा अपॉन ए क्यूब प्लस वाई की जगह पर क्या ले लेंगे हम, वाई की जगह पर ले लेंगे बी के होल क्यूब अपॉन बी क्यूब। तो यहाँ पर हम जेड के प्लेस पर क्या रखेंगे, सी के, जेड के प्लेस पर सी के अपॉन सी क्यूब। अब इसको क्या कर सकते हो आप, इसको ए क्यूब के क्यूब बोल सकते हो अपॉन ए क्यूब प्लस इसको हम बी क्यूब, इसको हम बी क्यूब के क्यूब बोल सकते हैं, बी क्यूब बोल सकते हैं प्लस सी क्यूब के क्यूब अपॉन सी क्यूब बोल सकते हैं। ए क्यूब से ए क्यूब, बी क्यूब से बी क्यूब, सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल, तो आ गया यहाँ पर हमारे पास के क्यूब प्लस के क्यूब प्लस के क्यूब और ये हो जाएगा थ्री के क्यूब, ये हो गया हमारा। अब अगर हम इसको सोल्व कर लेते हैं इसके आर एच एस वाले पार्ट को, तब क्या होगा हमारे पास, तो तब हो जाएगा, तो यहाँ पर अब हमारे पास इसका आर एच एस वाला पार्ट है, आर एच एस है हमारे पास थ्री एक्स वाई जेड अपॉन ए बी सी। तो थ्री एक्स के प्लेस पर क्या रख सकते हो, ए के, वाई के प्लेस पर बी के, जेड के प्लेस पर सी के और डिवाइड बाय कितना, ए बी सी, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल एंड सी से सी कैंसिल, तो ये कितना बचेगा, थ्री के क्यूब हो गया आपका एल एच एस आर एच एस के इक्वल, हैंस प्रूफ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, 25 क्वेश्चन है हमारे पास, 25 में दिया है आपको कि इफ़ बी इज़ द मीन प्रोपोर्शन, क्या है कि बी इज़ द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी, तो बी अगर मीन प्रोपोर्शन है ए एंड सी का, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू किसके होगा, सी के इक्वल होगा, या फिर आप कह सकते हो ए रेशो बी, ए रेशो बी किसके इक्वल होगा, बी रेशो सी के इक्वल होगा, जिसको हम के लेट कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या हो जाएगा फिर, ए ए अपॉन बी इक्वल्स टू के हो जाएगा और बी अपॉन सी इक्वल्स टू के हो जाएगा। फिर ए को आप क्या कह सकते हो, बी के कह सकते हो एंड बी को क्या कह सकते हो, सी के कह सकते हो। तो यहाँ पर हम बी को बी के, बी को सी के बोल सकते हैं, तो ये वाला सी के यहाँ पर आ गया और ये के हो गया, इसलिए ए को आप बोल सकते हो सी के स्क्वायर। अगर आप बी को सी के बोल सकते हो, तो यहाँ पर हम बी के प्लेस पर सी के रख सकते हैं, तो बी के प्लेस पर सी के रखा और के इसके पास ऑलरेडी था, तो ए की वैल्यू क्या हो गई है, सी के स्क्वायर हो गई है। तो अब इन दोनों का यूज़ करेंगे हम क्वेश्चन को प्रूफ करने में। तो क्वेश्चन को प्रूफ करने में हमें इसने बोला है कि एक इसका ये एल एच एस वाला पार्ट है, एक इसका ये आर एच एस वाला पार्ट है। तो अगर हम इसका एल एच एस या आर एच एस पार्ट ले लेते हैं, तो अगर जैसे हम इसका आर एच एस पार्ट ले लेते हैं, तो आर एच एस पार्ट कितना है, ए ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ए के प्लेस पर क्या रख सकते हैं हम, ए के प्लेस पर सी के स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन सी के प्लेस पर सी रहने देंगे हम। अब इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा सी स्क्वायर और के टू द पावर फोर अपॉन सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कैंसिल, लिया जाएगा के टू द पावर फोर। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 का अभी नहीं हुआ है, ये अभी तो आर एच एस पार्ट निकाला है हमने, अभी इसका हम क्या पार्ट करेंगे, इसका हम सॉल्व करके दिखाएंगे, इसका आर एच एस वाला नहीं एल एच एस वाला पार्ट, एल एच एस वाला पार्ट भी हम इसका यही ला कर दिखाएंगे। तो एल एच एस वाले पार्ट में इसने बोला है हमसे क्या है कि ए टू द पावर फोर प्लस ए स्क्वायर बी टू बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर फोर डिवाइड बाय बी स्क्वायर बी टू द पावर फोर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी टू द पावर फोर। तो इसको सोल्व करेंगे अब हम, इसको सोल्व करने के लिए हम इसमें फिर पुट करेंगे ए के प्लेस पर सी के, ए के प्लेस पर सी के स्क्वायर इसका की पावर फोर हो गई प्लस ए के प्लेस पर सी के स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो गया और बी के प्लेस पर सी के, बी के प्लेस पर सी के और इसका स्क्वायर प्लस बी के प्लेस पर सी के और इसकी पावर
फोर डिवाइड बाय बी के प्लेस पर, बी स्क्वायर के प्लेस पर क्या करेंगे हम सी के, बी के प्लेस पर सी के और इसकी पावर फोर प्लस बी के प्लेस पर सी के स्क्वायर और सी स्क्वायर के प्लेस और सी स्क्वायर के प्लेस और सी के प्लेस पर सी रहने देंगे प्लस यहाँ पर सी के प्लेस पर सी ही रहने देंगे क्योंकि सी और बी सी की वैल्यू नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ए और बी की वैल्यू है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा सी टू द पावर फोर, सी टू द पावर फोर के टू द पावर एट प्लस ये कितना आएगा सी स्क्वायर और सी स्क्वायर सी टू द पावर फोर और ये कितना आएगा के टू द पावर फोर और के टू द पावर टू के टू द पावर सिक्स आएगा प्लस और ये कितना आएगा सी टू द पावर फोर और के टू द पावर फोर आएगा डिवाइड में सी टू द पावर फोर के टू द पावर फोर प्लस सी टू द पावर फोर आएगा क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो टू इसका फोर और के स्क्वायर आएगा प्लस सी टू द पावर फोर। ऊपर देखो क्या कॉमन आ रहा है, सी टू द पावर फोर भी कॉमन आ रहा है और सी टू द पावर फोर कॉमन आ रहा है और के टू द पावर फोर भी कॉमन आ रहा है। इसमें से के टू द पावर फोर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर के टू द पावर फोर बचेगा, क्यों, क्योंकि इसका लिख सकते हैं हम के टू द पावर फोर इंटू के टू द पावर फोर। ऐसे ही यहाँ से सी टू द पावर फोर कॉमन लिया और के टू द पावर फोर कॉमन लेंगे तो के टू द पावर टू बचेगा प्लस यहाँ से पूरा किस के टू द पावर फोर कॉमन और सी टू द पावर फोर पूरा का पूरा ये कॉमन लिया तो यहाँ पर वन बचेगा। डिवाइड में हम क्या कर देंगे, अब इसको डिवाइड में नीचे सी टू द पावर फोर कॉमन आ रहा है, पूरे में सी टू द पावर फोर कॉमन आ रहा है, सी टू द पावर फोर यहाँ पर के टू द पावर फोर बच गया, के टू द पावर टू बच गया यहाँ पर और यहाँ पर वन बचेगा। देखो ये पूरा फैक्टर सेम है, कैंसिल हो रहा है, सी टू द पावर फोर से सी टू द पावर फोर कैंसिल हो रहा है, ये आ गया के टू द पावर फोर। तो देखो ये वाला इसका एल एच एस पार्ट भी के टू द पावर फोर आ गया, आर एच एस भी के टू द पावर फोर हो गया, इसलिए ये हो गया हमारा प्रूफ। तो इसमें बोल देंगे हम हैंस प्रूफ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, ये भी 2017 में आया है। इसमें कह रहा है कि इफ़, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, इफ़ 7m प्लस 2n डिवाइड बाय 7m माइनस 2n इक्वल्स टू कितना है 5:3 है या 5/3 है। तो यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन, सबसे पहले आपको फाइंड करना है m रेशो n और फिर फाइंड करना है हमें क्या m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अगर हमारे पास है 7m प्लस 2n डिवाइड बाय 7m माइनस 2n इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 3, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7m क्रॉस मल्टीप्लाई में बहुत सिंपल ही हो जा रहा है क्योंकि कॉम्परेंडर डिविडेंडो भी लगा सकते हो इसमें, लेकिन आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, छोटी वैल्यू में तो आप इसे इजीली कर सकते हो। 3 7 21m प्लस 3 2 6n इक्वल्स टू 5 7 35m माइनस 5 2 10n। अब यहाँ पर हम 35m को इधर लेके आएंगे, माइनस का 35m हो जाएगा, 6n को इधर लेके आएंगे, माइनस का 6n हो जाएगा और माइनस 10n यहाँ पर माइनस करेंगे इसको, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, माइनस का 14m हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 16n। माइनस से माइनस साइन कैंसिल, m रेशो n कितना आ जाएगा 16:14 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 2 8 16 2 7 14। तो m रेशो n आ गया है हमारे पास कितना 8:7। अब आपको सेकंड पार्ट करना है इसका, तो इसके सेकंड पार्ट में आपको दिया है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो अब हम क्या है कि जो हमारे पास m रेशो n आया है इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो कितना जाएगा m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर कितना 8 का स्क्वायर कितना जाएगा 64 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर देंगे, अप्लाई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास क्या, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 64
प्लस 49 डिवाइड बाय 64 माइनस 49। अब इसको करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 64 और 49 कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, 1 10 और 1 11, यहाँ पर इनको माइनस करेंगे, 5 और 5 में से 1 15, तो ये आ गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं हम, मिक्स फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे इसको, 15 7 जा 105 आता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 8, इसको लिख सकते हैं 8 7 अपॉन 15 लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं, यहाँ पर सॉरी थोड़ा यहाँ पर देखो, इसमें यहाँ पर 7 आएगा, ये 7 इधर आता है ना, तो ये 7 इधर आएगा और ये 8 इधर आएगा, तभी तो ये 15 7 जब 105 और प्लस 8 होगा तभी तो ये 113 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 7 8 अपॉन 15। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि फर्स्ट में कि इफ़ एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव देन आपको इक्वल फाइंड करनी है एक्स रेशो वाई, तो आपको एक्स रेशो वाई फाइंड करना है, 2x² - 5y² रेशो एक्स वाई इक्वल्स टू दिया है किसके, 1:3 के, तो फाइंड करना है आपको, फाइंड एक्स रेशो वाई। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में देखेंगे क्या होता है, ये 2x² - 5y² डिवाइड बाई क्या दिया है, एक्स वाई दिया है इक्वल्स टू 1/3। देखो ये लग तो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन कैसे बनेगी इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो, वैसे तो आप इसको सिंप्लीफाई 3 को उधर मल्टीप्लाई एक्स वाई को उधर फिर इसको सोल्व कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर सिंपल इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप 2x² डिवाइड बाय एक्स वाई माइनस 5y² / xy इक्वल्स टू 1/3। अब इसको हम x से x को सोल्व करेंगे, y को y से सोल्व करेंगे, तो कितना आएगा, 2x / y और यहाँ पर कितना आएगा, 5y / x इक्वल्स टू 1/3। तो अब इसको हम अगर सोल्व करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट यहाँ पर माइनस है, ये माइनस साइन है, लेट x/y इक्वल्स टू a, अगर x/y इक्वल्स टू a लेट किया है तो ये कितना हो जाएगा, 2a माइनस, अगर x/y a है तो y/x कितना हो जाएगा, 1/a, तो ये 1/a, a नीचे आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा, a एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2a² - 5 इक्वल्स टू 1/3। अब 3 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2a² - 5 इक्वल्स टू a, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6 a² - 3, 5 15 इक्वल्स टू a, 6 6a² - a - 15 इक्वल्स टू 0। अब 15 6 90 होते हैं, 90 के फैक्टर की माइनस करने पर 1 आए, तो 90 के फैक्टर 10 × 9, तो 10 - 9 करोगे तो 1 आएगा, 10 × 9 करोगे 90 आएगा, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। तो अगर आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं देखा है तो प्लीज़ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पर 10a हो जाएगा माइनस का और माइनस माइनस प्लस 9a हो जाएगा माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब इसको करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना है, दोनों में से कॉमन लेंगे हम, कितना आएगा दोनों में से कॉमन, दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो 2a कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 3a - 5 प्लस यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3a - 5 इक्वल्स टू 0, 3a - 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2a + 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर 3a - 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2a + 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी 5, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/3, लेकिन यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो वो होगी माइनस में, और माइनस वाली वैल्यू हमें नहीं लेनी है क्योंकि इसने कहा है कि ए और बी दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसलिए एक्स ए को हम क्या लिख सकते हैं, x/y लिख सकते हैं क्योंकि हमने ए को लेट किया था x/y,
तो वाई एक्स रेशो वाई कितना आ गया 5:3। तो ये आपका आंसर है। तो ये हो जाता है इसका 27 का फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी दिया है देखो आपको 27 का सेकंड पार्ट है यहाँ पर। फाइंड एक्स इफ 16 a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स होल क्यूब इक्वल्स टू a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। देन फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। देखो इसको आप लिख सकते हो 16 a माइनस एक्स होल क्यूब अपॉन a प्लस एक्स होल क्यूब इक्वल्स टू a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। इस 16 को दरी रहने दे सकते हो आप और ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, देखो ये है a प्लस एक्स का होल क्यूब और ये है a प्लस एक्स, ये सिंगल a प्लस एक्स है। तो ये कितना हो जाएगा a प्लस एक्स होल पावर 4। यहाँ पर कितना हो जाएगा ये a माइनस एक्स और ये a माइनस एक्स की पावर 1 है हमारे पास। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। इसको लिख सकते हैं देखो 2 to the power 4 और इसको लिख सकते हैं a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स की होल पावर 4। तो यहाँ पर ये तो 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं इसको कि 4 से 4 कैंसिल होगा तो यहाँ पर वैल्यू आएगी प्लस माइनस में 2। तो जैसे वैल्यू स्क्वायर रूट में आती है ऐसी क्यूब रूट में, इस फोर्थ रूट में भी या 4 पावर में भी आती है हमारी। तो अब इसमें दो केस बनते हैं कि अगर आप क्या लेते हैं इफ़ 2 = a प्लस एक्स अपॉन a है एंड इफ़ -2 = a प्लस एक्स अपॉन कितना है a माइनस एक्स। दोनों को सोल्व करेंगे, दोनों से वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा a माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a - 2x = a प्लस एक्स। यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमें वैल्यू चाहिए x की, तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा 2x और ये माइनस एक्स इक्वल्स टू a और -2a, ये -3x = हो जाएगा -a। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, x की वैल्यू हो जाएगी a/3। एक तो ये हो गई वैल्यू, एक यहाँ पर हम इससे निकालेंगे वैल्यू, इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे हम कैसे। ये हमारे पास -2 और ये हो जाएगा a - x = a प्लस एक्स। -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2a - -2x = a प्लस एक्स। -2a - 2x ये +2x और ये माइनस एक्स, ये -2a प्लस का 2a हो जाएगा और प्लस a, ये कितना हो जाएगा x = 3a। तो ये हो जाएगी x की वैल्यू और ये हो जाएगी ये वाली x की वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यूज हो जाएंगी हमारे पास x की। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 27। देखो वैसे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 तक दिया है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिनको अभी हम कर लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर ये दिया है कि इफ़ एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी एन जेड अपॉन सी इक्वल्स टू तो देन प्रूव दैट दिस। तो इसको प्रूव करना है आपको, तो करते हैं इसको प्रूफ। तो इसके प्रूफ के लिए हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू वाई अपॉन बी इक्वल्स टू जेड अपॉन सी इक्वल्स टू के। के की हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, यहाँ पर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ए के हो जाएगा, क्योंकि x अपॉन ए को के इक्वल रखेंगे तो ए के, y अपॉन बी को इक्वल रखेंगे तो बी के, z अपॉन सी को इक्वल रखेंगे तो z इक्वल्स टू सी के। ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसका हम प्रूफ करते हैं, इसमें हम क्या लेते हैं इसका LHS पार्ट ले लेते हैं। तो LHS पार्ट है हमारे पास क्या, ए एक्स माइनस बी वाई डिवाइड बाई ए प्लस बी और x माइनस वाई, फिर प्लस बी वाई माइनस सी जेड डिवाइड बाय क्या है हमारे पास बी प्लस सी और वाई माइनस जेड, फिर यहाँ पर क्या है हमारे पास सी जेड माइनस ए एक्स डिवाइड बाय सी ए माइनस जेड माइनस एक्स। इसको करते हैं अब हम सोल्व। तो यहाँ पर हम एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर लेंगे, एक्स के प्लेस पर ए के पुट करेंगे और y के प्लेस पर b के पुट करेंगे। तो
ये ए ए प्लस बी ऐसी रहेगा, एक्स के प्लेस पर ए के पुट करेंगे और वाई के प्लेस पर बी के पुट करेंगे, एक प्लस बी वाई के प्लेस पर बी के पुट करेंगे, माइनस सी और जेड के प्लेस पर सी के पुट करेंगे, डिवाइड बाय बी प्लस सी ऐसे रहेगा, वाई के प्लेस पर बी के पुट करेंगे और जेड के प्लेस पर सी के पुट करेंगे, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये सी जेड के प्लेस पर सी के पुट करेंगे, माइनस ए और एक्स के प्लेस पर ए के पुट करेंगे, डिवाइड बाय सी प्लस ए और जेड के प्लेस पर सी के पुट करेंगे और एक्स के प्लेस पर ए के पुट करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसमें क्या होता है हमारे पास, तो यहाँ हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और के कॉमन आ रहा है, देखो के कॉमन आ रहा है दोनों में से, और बन रहा है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस बी, यहाँ पर आ रहा है लेकिन इन दोनों से के कॉमन आ रहा है, और क्या बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, सेम एज इट इज़ इसमें से भी के कॉमन आ रहा है और बन रहा है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पर भी नीचे भी क्या आ रहा है इन दोनों से के कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर भी बन रहा है बी प्लस सी और बी माइनस सी, फिर प्लस इन दोनों से भी हमारा क्या कॉमन आ रहा है के कॉमन आ रहा है और बन रहा है आपका क्या सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे भी हमारा इन दोनों से के कॉमन आ रहा है और बन रहा है क्या हमारा सी प्लस ए और सी माइनस ए, तो यहाँ पर इनको कैंसिल कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड में क्या आ रहा है, ये भी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ रहा है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, और ये डिवाइड में क्या आ रहा है, ये भी ए प्लस बी माइनस बी है, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। अब ये कैंसिल हो रही है वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू कैंसिल हो रही थी, यहाँ वन यहाँ पर वन और यहाँ पर वन, और वन और वन वन थ्री हो जाएगा, और ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कि इफ़ क्यू इज़ अ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन पी एंड आर, तो प्रूफ दैट करना है आपको, ये इसको प्रूफ करना है आपको, तो करते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले अगर आपको क्यू मीन प्रोपोर्शन दिया है तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि P, Q बीच में है और R, तो आप कह सकते हैं यहाँ P रेशो Q किसके इक्वल है, Q रेशो R के, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर कि Q स्क्वायर किसके इक्वल है R, इस R P R के, इसका यूज़ कर सकते हैं हम, या फिर इसमें हम वैल्यू लेट करके भी कर सकते हैं कि P अपॉन Q और Q अपॉन R जैसे हम लेट करते हैं उससे भी, लेकिन ये ऐसे भी हो रहा है तो इसको हम ऐसे ही कर लेंगे, तो कर लेते हैं इसका नाउ LHS लेते हैं, LHS हमारे पास पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू डिवाइड बाय कितना पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे देखो किसकी, क्यू की, क्यू स्क्वायर की, देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास क्यू क्यूब है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको पी आर में चेंज कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास q इंटू क्यू स्क्वायर कह सकते हो इसको आप, और ये r क्यूब डिवाइड में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को यहाँ पर कह सकते हो आप p r कह सकते हो, q स्क्वायर को आप क्या कह सकते हो यहाँ पर p r कह सकते हो, ये मल्टीप्लाई में है सभी और r स्क्वायर। अब ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर की जगह पर हम पी आर रख सकते हैं, तो पी आर क्यू प्लस आर क्यू डिवाइड बाय कितना हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू और आर क्यू। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर सेपरेट डिवाइड करेंगे पी क्यू अपॉन पी क्यू आर क्यू प्लस यहाँ पर पी आर क्यू डिवाइड में पी क्यू आर क्यू प्लस आर क्यू पी पी क्यू आर क्यू करेंगे,
ये पी क्यू से पी क्यू, ये आर क्यूब से आर क्यूब, यहाँ पर देखो एक पी और आर से एक पी और आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा वन अपॉन आर क्यूब, यहाँ पर बचेगा प्लस यहाँ पर क्यू बचेगा और क्या बचेगा पी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना बचेगा वन अपॉन पी क्यूब। तो यहाँ पर वन अपॉन आर क्यूब प्लस क्यू और इस पी आर को क्या लिख सकते हैं हम पी आर होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी क्यूब, तो वन अपॉन आर क्यूब प्लस क्यू पी आर की वैल्यू, पी आर की वैल्यू क्या है हमारे पास क्यू स्क्वायर है, तो की स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस वन अपॉन पी क्यूब। अब ये वन अपॉन आर क्यूब प्लस ये क्यू स्क्वायर क्यू है और ये क्यू टू द पावर फोर है प्लस वन अपॉन पी क्यूब, एक क्यू से एक कैंसिल हो जाएगी क्यूब, तो वन अपॉन आर क्यूब और यहाँ पर एक क्यूब एक क्यू स्क्वायर कैंसिल क्यू कैंसिल हुआ है तो थ्री क्यूब बचेगा, यहाँ पर क्यू क्यूब प्लस वन अपॉन पी क्यूब। तो ये आ गया हमारा आर एच एस पार्ट, तो एल एच एस से आर एच एस आ गया, ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, क्वेश्चन नंबर 30 और देख लेते हैं इसमें। ये क्वेश्चन गिवन किया है हमें कि इफ़ ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन प्रूव दैट दिस, इसको प्रूव करना है आपको। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये कि अगर हमारे पास ए बी सी कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में है तो क्या होगा, ए रेशो बी किसके इक्वल होगा, बी रेशो सी के इक्वल, या फिर आप कह सकते हो कि बी स्क्वायर इक्वल होगा ए सी के। तो यहाँ पर अगर हम प्रूव करते हैं, यहाँ पर नाउ यहाँ पर ले लेते हैं हम इसका आर एच एस पार्ट, क्योंकि आर एच एस से एल एच एस बनाना सिंपल है। तो ये पर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे के वाले लेट वाले मेथड से भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर ये इस मेथड से सिंपल है तो इसी से कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखेंगे ए सी डिवाइड बाय बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी रखेंगे, ये ए सी हो गया हमारा और ये सी स्क्वायर हो गया। इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है ए, तो ऊपर बचेगा ए प्लस सी, नीचे दोनों में कॉमन आ रहा है सी, तो नीचे बचेगा ए प्लस सी, ए प्लस सी से ए प्लस सी कैंसिल, तो आ गया रेशो ए रेशो सी, तो ए रेशो सी आ गया हमारा और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो यही हमारा आ गया है ये एल एच एस से आर एच एस, आर एच एस से एल एच एस, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर 7 रेशो एंड प्रोपोर्शन कम्प्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसी तरीके से वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।